गाइस सुनो 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 सुनो, अरे एक्चुअली देखो अपना पीवीआरएम प्रोडक्शन है, हम लोग शॉर्ट फिल्म फीचर फिल्म तो बनाते रहते हैं, क्यों ना स्वच्छ भारत पे हम लोग मूवी बनाए, तुम्हें क्या लगता है? सर मेरे पास एक आइडिया है, हम क्या कर सकते हैं, कॉलेज ग्रुप या कॉलेज या स्कूल फ्रेंड्स का ग्रुप दिखा सकते हैं जो कि गेट टुगेदर प्लान करते हैं। अब जनरली क्या होता है, सुनो बेटा क्या कह रहे हैं वो, कैसा हलो, है हेलो यूट्यूब पे आ गया ब्रो, कुछ अलग सोच, नया और हटके, जो कभी किसी ने सोचा भी ना हो और ना ही किसी ने किया भी हो, राइट गाइस? करेक्ट करेक्ट। आर्ग्यू करना बंद कर दो प्लीज, एक एक करके अपना पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं, शुरू में से करते हैं, ओके? गांव में शूट करेंगे क्योंकि वहाँ पे बाथरूम्स नहीं होते, तो फिर हम ऐसा करते हैं, गंदगी गांव में नहीं शहरों में भी होती है। हाँ, ये भी सही बात है, सही पॉइंट है। गाइस गाइस मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, हाँ ऐसा करते हैं कि एक आदमी है सुबह अपना घर साफ करके निकल जाता है ऑफिस को, हाँ फिर जो भी, हेलो आ गए YouTube। सुनो 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 मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो, एक रूम है, रूम के अंदर बंदा बैठा हुआ है और जो उसकी रूह है वो रूह बाहर निकल गई और वो देख रहा है कि उसकी जो बॉडी है ना उस पे पूरा कचरा, जितना भी उसने कचरा के बचपन से लेके अब तक का पूरा उसका बॉडी के ऊपर आ चुका है। अरे बाबा नहीं यार, भाई गाइस कुछ भी बोल रहे हैं गाइस, सीरियस हमें कुछ ऐसा करना है ना जिससे हर आदमी को लगे कि हमें खुद से स्वच्छता स्टार्ट करनी है, वैसा कुछ तो हमें करना चाहिए। आए दिन में आपको क्या लगता है सर इसके बारे में? हाँ, हम भारतीयों ने अगर दिल पे ठान ली और अपनी गंदगी खुद ही साफ कर ली तो मुझे नहीं लगता इस भारत देश को साफ करने के लिए किसी और की मदद लगेगी। हाँ सर, राइट राइट, मुझे भी सही बात बोली सर आपने। हाँ सही बात, एक नंबर। एक मिनट रुद्रा क्या कर रहे हो, अरे तुम्हारा काम नहीं, चलो 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 लेट हो रहा अपने को। पापा आपने तो कहा था कि अगर आपने भारत को स्वच्छ रखना है तो शुरुआत खुद से ही तो करनी पड़ेगी।